नमस्कार, स्वागत है आपका जियो स्टांस के एक नए एपिसोड में आज हमें ज्वाइन किया है एक बेहद खास मेरी दोस्त ने इनका नाम है वाजमा साइल अफगानिस्तान से इनका ताल्लुक है और वाजमा अभी को प्रेसिडेंट हैं अफगान विमेन ऑर्गेनाइजेशन की स्वीडन में इन्होंने एक मास्टर्स डिग्री कर रखी है इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द लीनियस यूनिवर्सिटी इन स्वीडन सोशल साइंटिस्ट हैं स्पेशलाइज करती हैं डेवलपमेंट पीस और रिफ्यूजी इश्यूज में आजकल स्वीडन में होती है वाजमा सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते आपको और आपके ऑडियंस को और मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज आपके साथ हूँ वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए वाजमा मुझे पता है आप बहुत बिजी थी तो वाशमा एट द वेरी बिगनिंग आई वांट टू आस्क यू आप अफगानिस्तान में पैदा हुई पर आप पली बड़ी पाकिस्तान में हैं कैसे आपका अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाना हुआ क्या उसकी वजह थी अच्छा मुझे पीछे जाना पड़ेगा बहुत सारे साल यानी डायनासोर के जमाने तक पीछे असल में जैसे ही रशिया वॉर खत्म हुआ अफगानिस्तान में और नजीब के दौर से मेरे पेरेंट्स पहले वो महाजर हो गए पाकिस्तान में मैं बहुत छोटी थी सिक्स मंथ्स की थी जब फर्स्ट टाइम हम रिफ्यूजी बने और सीधे हम पेशावर में आए ना हमें लैंग्वेज का पता था ना कल्चर का वहाँ पे बहुत मुश्किलों से हमने ज़िंदगी अपनी स्टार्ट की मुझे तो बिल्कुल याद नहीं पड़ता यानी आप सोचो कि ज़ीरो से आप तिन का अपनी ज़िंदगी बनाते हो ऐसी मेरी फैमिली ने वहाँ पे ज़िंदगी बनाई और बेसिकली वॉर वाज द मेन रीजन के हम शिफ्ट हुए पाकिस्तान हाँ जो आपका वक्त पाकिस्तान में गुजरा कैसा था वो uh, क्या आपको किसी रेसिज्म का सामना करना पड़ा या अच्छा आपका टाइम गुजरा क्योंकि एज इंडियंस जब हम इंटरेक्ट करते हैं पाकिस्तानीज के साथ और अगर हम uh, अफगान्स की साइड लेते हैं तो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड लिबरल्स या प्रोग्रेसिव्स हैं वो भी कहते हैं कि आप अफगान लोगों का बड़ा साथ देते हैं आपको नहीं पता ये लोग ड्रग बे, ड्रग्स बेचते हैं ये लोग जो हैं बड़े खतरनाक हैं जबकि मेरे पर्सनली एक्सपीरियंसेस अफगान्स के साथ बिल्कुल ही मुख्तलिफ रहे हैं और इनफैक्ट भारत में ज्यादातर जो अफगान लोग हैं उनको बहुत एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है सोनम जो चीज़ आपने सुनी है ये मैंने इससे बदतर और बहुत ही लो लेवल की वो बातें सुनी है आपने तो कुछ भी नहीं सुना बींग रिफ्यूजी आप सोचो कि टू जनरेशन से मैं वहाँ पर रिफ्यूजी रही हूँ और इस दौरान जितना मेरी फैमिली ने सफ़र किया है उसके बाद जो हमने सफ़र किया है डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं होते थे वहाँ पे हम रिफ्यूजी ही थे सारा कुछ पैसे पे था एक रिफ्यूजी राइट right जो अफगानियों को मिलना चाहिए वो तो था नहीं वहाँ पे तो फिर ड्रग्स कैसे बेचते थे अफगानी लोग डॉक्यूमेंट्स होता ही नहीं था मैं आप यकीन करो आ, मैं तकरीबन तीन चार बार स्कूल से मुझे निकाल दिया गया था सिर्फ इसलिए कि मैं अफ़गानी थी और मुझे अभी भी याद पड़ता है मेरी एक टीचर हुआ करती थी उसके पास हम जाते थे घर में ट्यूशन पढ़ने तो उसने मेरी मामा को कहा था कि आप अपनी बच्चियों के नाम बदलो और इनके सरनेम के साथ नौरीन लगा दो जैसे वजमा नौरन और मेरी जो बहनें थी उनके नाम के साथ नौरिन यानी एक पाकिस्तानी वो सर नेम बन जाएगी तो इनका हो जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन हो जाएगा मैं तकरीबन फोर्थ ग्रेड तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ तो उसके बाद मुझे उन्होंने आगे पढ़ने नहीं दिया फिर मेरी मम्मा जॉब करती थी मेरे बाबा जॉब करते थे दो दो जॉब करते थे वो ताकि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़े फीस देकर और एक बड़ी फैमिली थी हमारी तकरीबन पाँच छह बहन भाई हैं हम तो उन सबको पढ़ाना प्राइवेट लेवल तक पढ़ाना इट्स नॉट एन इजी जॉब तो उसके साथ साथ आपको कहीं भी गवर्नमेंट में आपको जॉब नहीं मिलती इवन सीमी गवर्नमेंट में भी आपको जॉब नहीं मिलती हाँ भला करें थोड़ी बहुत अगर आपकी लिंक बन जाए सोसाइटी में तो उनके जरिए आपकी जॉब मिलती है अफगानी जितने भी खासकर पेशावर में है या उस वक्त जब हम थे Uh, होते थे वो तो अपने बलबूते uh, अपना सेटअप किया हुआ था पाकिस्तान ने क्या दिया है इट वाज अ फील्ड यू नो फील्ड एरिया गोभी के फील्ड होते थे सारा पूरे पेशावर में पेशावर जो आज बना हुआ है वो अफगानियों ने ही तो बनाया है पाकिस्तान ने क्या बनाया क्या बना के दिया है जितना आप देखो अब ये लोग अगर नहीं मान रहे उस चीज को ये इनका अपना मसला है लेकिन है ऐसे लोग जो इस बात को मानते हैं कि पेशावर में जितनी आबादी हुई जितने बिजनेस हुए स्पेशली कारपेट का जो बिजनेस हुआ था आप पूरे सदर एरिया में जाओ मीना बाजार में जाओ किसा खानी में जितने शॉप्स हैं वो सारा अफगानियों ने ही आबाद किया था और अपने बलबूते पे किया था उन्होंने कोई बैंक से उनको लोन नहीं मिलता था मेरे बाबा तकरीबन थर्टी फाइव ईयर्स तक पाकिस्तान में रहे हैं यानी हमारे आने से पहले वो मूव कर गए थे लेकिन थर्टी फाइव ईयर्स ही वॉज नॉट एबल टू हैव अ बैंक अकाउंट ही वाज़ जस्ट नॉट ऑफ़ डॉक्यूमेंट उनको नहीं मिलता था हती कि अगर आप अप्लाई भी करते थे तो आपको नहीं मिलता था तो बातें इतनी ज्यादा है कि मैं अगर सुनाने लग जाऊं तो प्रोग्राम ही खत्म हो जाए टाइम ही बीच में खत्म हो जाए आ, मैं अक्सर देखती हूँ कि कहते हैं कि नहीं हमने अफगानियों को बड़ा दिया है हम तो बाई बाई है और पता नहीं इनको हमने शेल्टर दिया है ठीक है आपने शेल्टर दिया है लेकिन शल्टर पहले चीना किसने था मुजाहिदीन को एम्यूनेशन और सपोर्ट कौन करता था उनकी ट्रेनिंग कहाँ सी हुई थी अफगानिस्तान में आज तक लड़ा लड़ाई कहाँ और किस मुल्क के बेसिस को यूज करके हो, हो रही थी पाकिस्तान की हो रही थी अगर इफ़ दे आर रियली गुड फॉर स्पेशली दे टॉक अबाउट देयर गवर्नमेंट और जो जितना अपने सिस्टम के बारे में ये लोग बात करते हैं वो इतने अच्छे थे तो वो जो अपने भाई उन्होंने परवरिश दी अपने मदरसों में उनको ना देते अफगानिस्तान ना भेजते तो हम महाजर ना होते उन पे बर्डन ना बढ़ता हमारा सो दैट इज द रीजन अफगानियों की कभी भी पाकिस्तान में कोई राइट थी ही नहीं कोई भी अगर इस बात पर आके मुझसे चैलेंजिंग बात uh, कर सकते हैं दे कैन क्वेश्चन मी बट देवर एवर लाइक प्रूव दिस देर इज नो नो एविडेंस फॉर अफगान इन पाकिस्तान लाइक दे वेज बिन ट्रीटेड एज रिफ्यूजी और सबसे जो गंदी बात है मैंने पूरी जिंदगी uh, मैंने सुनी है कि ओ ए माजर आप सोचो कि ट्वेंटी फोर ईयर्स में उस मुल्क में रही हूँ और ट्वेंटी फोर ईयर्स तक मैंने सिर्फ यही सुना है माजर तुम तो माजर हो, तुम तो माजर हो अब मुझे एक बच्ची को क्या पता होगा मैं तो जैसे ही मेरी बचपन गुजरी जवानी वहां पे गुजरी सारा कुछ मैं उसी पाकिस्तान को ही अपने अपना मुल्क मानती रही हूँ मेरे इतने फ्रेंड्स रहे हैं मैं उस सोसाइटी में पली बढ़ी हूँ मेरे मेमोरीज है एंड आई well. लेकिन वो तलख जो यादें हैं वो ज्यादा है बनस्बत गुड मेमोरीज के सो आर ऑफ स्टोरीज क्या इसकी वजह थी अफगान लोगों के इतनी ज्यादा नफरत करने की क्योंकि पाकिस्तानी तो कहते हैं कि आ, हम सब मुसलमान हैं वो हमेशा मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं पर इसी तरह की नफरत पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों को भी दी उन्होंने अपना मुल्क बना लिया फिर ऐसी ही नफरत आ, भी भी उनको भी मिलती है है पाकिस्तान में क्या क्या इसका इसका रीजन अच्छा, इसका रीजन रीजन अच्छा हो सकता है? सबसे बड़ी रीजन अगर अफगानी लोग जैसे मैं खुद बहुत सोशली एक्टिव हूँ अगर मैं कोई बात ये करूँ स्पेशली पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में अगर मैं कोई बात करती हूँ लिखती हूँ ज्यादातर के ऐसा है या कोई एविडेंस पेश करती हूँ जैसे अभी रिसेंटली जो हालात हुए सबको पता है उसके बारे में मैंने काफी लिखा है तो ये सोचते हैं कि ये सारा कुछ इंडिया से हमें ट्रिगर हो रहा है ये जो इंडिया फोबिक है इनके दिमाग में जो चल रहा है उसकी वजह से ये अफगानियों से नफरत करते हैं अच्छा ठीक है हम लोग मुसलमान हैं इसमें कोई शक नहीं है वही कलमा पढ़ते हैं जो पाकिस्तान के अवाम भी पढ़ते हैं और पाकिस्तान का जो अवाम है वो शायद इतने बुरे नहीं थे उनको बुरा बना दिया गया उनकी ब्रेन वॉश कर दी गई पहले ये लोग ऐसे नहीं थे इनको डिलिबरेटली हैव बिन ब्रेन वॉश ठीक है अब आप सोचो कि सिर्फ इसलिए कि अफ़गानी लोग इंडियन लोगों की वो कल्चर से बहुत इंस्पायर हैं मूवीज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं अब मैं खुद इतनी ज़्यादा इंस्पायर हूँ मेरे इतने ज्यादा फ्रेंड्स हैं सोशली इतने ज्यादा फ्रेंड्स हैं एंड वी डू फॉलो अल ऑफ लाइक यू नो फैशन द एंड बॉलीवुड एंड एवरी अब इन लोगों के पास अगर ये चीजें नहीं है तो आसान तरीका क्या है नफरत फैलाओ यही एक वजह है और तो कोई भी वजह नहीं हो सकती और दूसरी बात अफगान लोग ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं खुद अफगान हूं हम लोग बहुत मेहनती लोग हैं हम जहां भी जाते हैं अपना छाप छोड़ देते हैं मेहनत करते हैं अपने बलबूते पे खड़े होते हैं और कोई भी बंदा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप उसके मुल्क में उससे आप आगे जाके काम करो और पाकिस्तानी लोग आपके अंडर काम करें तो ऑब्वियसली वन पीपल डू नॉट रीच योर लेवल सो वट दे स्टार्ट दे स्टार्ट यू नो हेट अगेंस्ट यू तो ये सारा कुछ है वहाँ पे और सबसे जो वो परेशान कन बात है कि हमेशा से हम सुनते हैं कि भाई वी आर मुस्लिम मुस्लिम लोगों में तो ये नहीं होता अगर इस्लाम के बारे में आप पढ़ो ना तो इस्लाम तो आपको बहुत भाईचारा सबर हौसला इज्जत करने की वो दर्श देती है कहाँ है वो सारा कुछ मैंने तो कभी नहीं देखा या इट डज प्रोगेट ब्रदरहुड बिटवीन मुस्लिम आपने कहा कि पाकिस्तान के लोग अफगान लोगों से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि अफगान भारत के बड़े करीब हैं एक और कंस्पिरेसी थियोरी जो मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है आजमा वो ये है कि इंडियन टीचर्स जो हैं वो आ, बहुत देर तक अफगानिस्तान में पढ़ाते रहे हैं और उन्होंने अफगान लोगों के मन में पाकिस्तान को लेके बहुत नफरत भरी है और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से नफरत करते हैं क्या आपको लगता है इसमें थोड़ी सी भी हकीकत है अच्छा मैं एक मजे की बात बताऊं मैं जब आ, आ, पाकिस्तान में थी और जहां मैं जॉब करती थी तो इट वाज अ वेरी मल्टीनेशनल इन्वायरमेंट और इंडिया से भी मेरे साथ लोग थे इवन जब मैं स्वीडन आई यहां पे मैं काम कर रही हूँ स्टूडेंट रही हूँ एंड अलॉर ऑफ माय क्लास फेलोज इंडियन इंडियन लोगों के पास ये टाइम ही नहीं होता कि वो पाकिस्तान को डिस्कस करें ट्रस्ट मी ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि यू आर माई फ्रेंड एंड आई एम अबाउट दिस ट्रस्ट में वो लोग इतना अपने जिंदगी में मगन होते हैं अपने आप को पुल अप करने में इतने वो आगे क्या सोचते हैं वो पाकिस्तान के बारे में सोचती ही नहीं है ये मुझे आज तक खुद नहीं पता कि इनके साथ मसला क्या है क्या वन एवर देसी वो हमेशा वो इंडिया फोबिक इनके जहन में रहा है कि इंडियन की वजह से मुझे याद पड़ता है मेरे ख्याल में 2014 एंड 13 के बीच में काफ़ी सारे इंडिया से थे वहाँ पे लेक्चरर्स जाते थे अफगानिस्तान और तब ये मसला बना था बहुत ही कंस्पारसी न्यूज इन्होंने फैलाई थी कि भाई ये लोग तो स्पाई हैं और पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं हालांकि मेरे फ्रेंड्स थे अफगानिस्तान में वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते थे और वो जितनी तारीफें करते थे जिस तरह की क्लासेस होती थी जिस तरह के लेक्चर होते थे इवन आई वाज इंस्पायर्ड बाय दैट तो आप फिर इन्होंने एक सिस्टम ये बनाया कि ये पूरी कॉन्स्पायरिसी थ्योरी इन्होंने फैलाई ताकि वो इंडियंस की लेग पुलिंग करें और ये अपने यूनिवर्सिटी के टीचर्स को वहां पे भेजें और इन्होंने ऐसा किया भी कारदान यूनिवर्सिटी में इनके काफी सारे लेक्चरर्स गए भी थे अगर आपको पता हो तो ये तो हर जगह अपने आप को वो फिट करने में लगे होते हैं तो तरीका कार यही कि, कि एक दूसरे बंदे को पुल आउट करो उसकी बदनामी करो ताकि हम फिट हो जाए बड़ी, बड़ी हैरान करने वाली बात है वाजवा क्योंकि पाकिस्तान के लोग खुद भी बॉलीवुड से और इंडियन कल्चर से बड़े इंस्पायर्ड हैं उनकी तो जो शनाख्त अगर आप देखें ओरिजिनली तो वो इंडियंस ही थे ये तो इनका मुल्क मुल्क जितना पुराना है उससे जो बूढ़े तो हमारे यहाँ पे हमारे दादा दादी और नाना नानी होते हैं हमारे बुजुर्ग इनके मुल्क से पुराने हैं पर ये पता नहीं किस किस्म का इनको एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अपने आप को जोड़ते हैं तुर्कियों के साथ और अरब्स के साथ जो इनको किसी गिनती में किसी खातिर में ही नहीं लाते अच्छा, अच्छा सॉरी सोनम एक चीज मैं आपको बताऊं आप सोचो कि इनकी पूरी सोशल मीडिया में जितना इनका काम चल रहा है दैट इज ऑल एवरीबडी नोज वो इंडिया से काफी इंस्पायर हैं और इनके जो जितने आर्टिस्ट हैं दे रियली कि वो इंडिया में जाके काम करे जब वो इंडिया में जाके काम करते हैं तब वो समझते हैं कि दे बिकम द रियल नो तो फिर भी अगर वो इंडिया की बुराई करते हैं तो मेरे ख्याल में दिस इज द वेरी लोवेस्ट की लेवल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग के वो इस तरह का कोई काम करे वी ऑल नो कि इंडिया की एक बहुत ही वास्ट और डीप हिस्ट्री है इवन अफग़ानिस्तान में इंडियन काफ़ी रूटेड हैं वी ऑल नो दैट और हम अफगानीज मेरे ख्याल में जितना हम कनेक्टेड हैं इंडिया से एक वजह ये भी है बैक इन दिस्ट्री वी ऑल्सो कंसिडर आवर सेल्व लाइक रियलीप डी रूटेड दादा और दादी जो थे उनके बिल्कुल घर के पास एक मंदिर हुआ करती थी और हमेशा वो घर में बताती थी उनके नेबर्स थे, और मंदिर हुआ था हुआ करता था वहां पे वो जाते थे वहां पे बैठते थे उनके साथ खाना खाना और जिस तरह रहते हैं पूरी फैमिली के साथ सो दे रियली मच मच कनेक्टेड और वो चीज हमारी जो है जेनरेशन टू जेनरेशन कन्वे हुआ एक पॉजिटिव वे में ये अगर पाकिस्तान में नहीं हुआ तो दैट्स बिकॉज ऑफ द रेडिकलाइजेशन जितनी रेडिकलाइजेशन वहां पे बड़ी है वो तो अपने अलावा किसी और को ना तो मुसलमान मानते और ना ही वो इंसान मानते हैं ट्रस्ट मी दिस इज रियली रियली सैड बट दिस इज द फैक्ट अच्छा आप पहले पाकिस्तान आए फिर बीच में आप फिर से शिफ्ट भी हो गए थे अफगानिस्तान राइट ये ये कब हुआ और फिर आप अफगानिस्तान शिफ्ट होने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान चले गए उसकी क्या वजह थी During जब ये हम आए थे जब शुरू में तो थोड़े बहुत जब हालात ठीक हुए तो बाबा ने ये सोचा कि चले अब अपने मुल्क वापस जाएंगे वापस सेटल होना है सारा कुछ और चले भी गए हम थोड़ा बहुत दोबारा से लाइफ स्टार्ट भी की और ये तब की बात है जब 90s में तालिबान दोबारा वहाँ पे उन्होंने एम्पावर हो गए वहाँ पे तो और कोई रास्ता नहीं था काफ़ी अरसा मैं मैं उन्हें खुद फर्स्ट टाइम मैंने जिंदगी में सुसाइड देखा था पूरी जो बॉडी uh, मेरे मेरे इलाके में मैं जा रही थी वी वर गेट इनवाइटेड टू अवेंट अपने रिलेटिव के तरफ और वहां पे जैसे वी वर जस्ट लाइक इन मे बी टेन अटैक और जैसी वो चीज़ देखा है मैंने तो मैं खुद और मेरी पूरी फैमिली हम इतने ट्रोमाटाइज हुए थे ऑलमोस्ट फोरटीन डेज वी लाइक ऑल ऑफ आज रियली सिक और हालात इतने बिगड़ गए दोबारा से फिर मजबूरन हमें दोबारा शिफ्ट होना पड़ा और वो शिफ्टिंग भी एक इलीगल तरीके से था यानी मैं अभी भी याद करती हूँ तो मुझे ऐसे मेरे हाथों के बाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि जिस रास्ते से हम दोबारा से मूव कराएं सिर्फ एक एक कपड़ा तन में कोई और चीज हमारे पास नहीं था एंड वी जस्ट मूव्ड अगेन मेरी मम्मा बहुत सारी यानी जो हालात में वो लोग शिफ्ट हो गए कुछ भी साथ में नहीं एक फर्श लेकर और दोबारा से जिंदगी स्टार्ट करो तो यू नो वॉर हैज ऑलवेज द मेन कॉज ऑफ मी एंड लाइक मी मोस्ट ऑफ द अदर अफगान फैमिलीज लाइक टू मूव बैक टू पाकिस्तान और क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर में ही होता था और काफी करीब और दूसरा थोड़ा बहुत हम पेशावर के कल्चर से थोड़ा करीब है जबान जो है पश्तो लैंग्वेज वो हमारे लिए इजी है कम्युनिकेशन के लिए इसीलिए अफगानी ज़्यादा प्रेफर करते हैं coming to pakistan rather than going to any another country आकर रहना पंजाब में भी हुआ है अवार्ड फ्रॉम पेशावर राइट पंजाब का आपका कैसा एक्सपीरियंस था ये जो आपको रेसिज्म का सामना करना पड़ा ये ज्यादा उधर केपीके के में होता था या फिर पंजाब में होता था या फिर दोनों ही जगह एक किस्म का मैं तो कहूँगी कि अगर सिस्टम के लिहाज से मैं देखूँ तो दोनों जगह ज़्यादा डोमिनेटेड ज़्यादा पंजाब है क्योंकि पंजाब तो इवन के पी के के लोगों को भी आ, अपना हिस्सा नहीं मानते तो पंजाब में सिस्टम के लिहाज से बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम है और फिर एक और चीज़ भी है पाकिस्तान में क्लास सिस्टम बहुत ज़्यादा है इनके जो अपर क्लास हैं थोड़ा बहुत अपने आप को वो वेल एजुकेटेड शो करते हैं और अगर दिल में चाहे वो रखते भी हो वो खलिश रखते हो लेकिन मुंह पे आपके वो दिखाते नहीं है इतना लेकिन जो लोअर है इनका क्लास सिस्टम जो लोअर लोग है वो सारे अफगानिज को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते मैं ये नहीं कहूंगी कि सब इस तरह के हैं लेकिन मेजोरिटी इज लाइक दैट और बिल खसूस अभी जिस तरह हालात टू थाउजेंड फोटीन के बाद जिस तरह बदले हैं पाकिस्तान में कि वो आपके मुँह पे वो बेजती करते हैं आपके मुंह पे बात करते हैं आप सोशल मीडिया पर आप जाके देखो कि अफगानियों को कितनी बेजती करते हैं ये लोग मेरे खुद के मुझे इतने मैसेजेस आए क्या अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ तुम लोगों के साथ यही होना चाहिए तुम लोग तो इस काबिल ही नहीं हो स्कूल आपके लिए ठीक नहीं है अच्छा हुआ हम तो खुश हैं कि आपकी लड़कियां घर में बैठ गए हैं तालिबान ही आपके लिए सही है इस्लाम कौन नाफिस? करने के लिए ये पाकिस्तानी और अब जब इनको कहो कि अच्छा अगर तालिबान इतने अच्छे हैं और ये सही इस्लाम नाफिज करें तो ये इस्लाम अल्लाह करे कि आपके मुल्क में भी आके नाफिज हो जाए फिर अपने लिए ये लोग नहीं चाहते वो चीज़ लेकिन अफगानिस्तान के लिए ये लोग इन्होंने मिठाइयां तकसीम की है 15 अगस्त में जब अफगान गवर्नमेंट गिरी थी hmm. पूरे पेशावर में पूरे पंजाब में ये लोग मिठाइयां बांट रहे थे लाइटिंग हुई थी पूरे पाकिस्तान में डू थिंक दैट वाज अ कोइंसिडेंस 15 अगस्त का जो नो दैट वाज नॉट प्री प्लानड एंड आई वुड प्लान दैट दे वर्क फॉर 20 years. आपको क्या लगता है कि इनके जो आए थे एजेंसी के लोग चाय का कप लेके सरीना में पी रहे थे डोंट यू थिंक दैट दैट वाज अ कोड मैसेज वो तो uh, अपने जहन में वो इंडिया की लड़ाई अफगानिस्तान के uh, uh, उस पर उन्होंने uh, अफगान अवगा, uh, सोईल पे उन्होंने इंडिया की लड़ाई लड़ी वो जिस तरह चाय का कप पी पी के मैं कभी ये चीज नहीं भूलूंगी ठीक है मुझे मैं देखें एक मुल्क में मैं रही हूँ सिक्स मंथ्स की टीम है जब मैं पाकिस्तान मूव हुई मेरे बहुत मेमोरीज हैं अच्छे बुरे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स भी हैं मेरे लेकिन मेरा इतना दिल अभी गंदा हुआ है उनकी तरफ से स्पेशली आफ्टर ऑगस्ट फिफ्टीन टवेंटी ट्वेंटी वन क्या आप सोचो हमारी बेटियां मेरे फ्रेंड्स मुझे तस्वीरें और वीडियोस भेज रहे थे अपनी डॉक्यूमेंट्स को जलाने की ताकि उनका जो वो अपनी आइडेंटिटी को कवर कर सकें वर ऑल लाइक मीडिया पीपल जर्नलिस्ट एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स रहे हैं वो और पाकिस्तानी उन्हीं चीजों पे खुश हो रहे थे इनकी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की पड़ी पढ़ी हैं जो मुबारकबाद दे रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ जी के इस्लाम अभी नाफिज होगा अफगानिस्तान में इस्लाम की जीत हुई है आप अभी वही इस्लाम अपने आप पे क्यों इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं? नहीं हो तो रहा है इम्प्लीमेंट टी के अकेले अगर आप देखें अगस्त के महीने में जो अभी अगस्त गया है 147 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान की सॉइल पे और इतने अटैक्स कभी भी नहीं होते थे जब अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जिसको ये कहते थे कि ये हमारे दुश्मन हैं और ये इंडियन और पता नहीं और अमरीकी एजेंट हैं। उस टाइम पर तो ये जो टीटीपी के फाइटर्स या टेररिस्ट जो भी हैं ये उस टाइम जेलों में बंद थे ये तो अफगान तालिबान ने इनको बाहर निकाला और जो स्ट्रटेजिक डेप्थ इनको चाहिए थी अब वो बहुत ज्यादा डीप हो गई है वो इतनी डीप हो गई है कि ये खुद ही उसमें धंसते जा रहे हैं डू यू थिंक इज स्ट्राइकिंग बैक ऑफ कोर्स कर्मा इज अ बिच एंड इट विल बाइट देयर ए डबल एस वेरी सून स्टार्ट तो हो गई है अब ये सोच रहे थे कि हम जिस तरह तालिबान की वो कर रहे थे ये हर जगह पे वीडियो प्रमोशन सोशल मीडिया प्रमोशन इनका अपना जो प्रेसिडेंट था मिस्टर खान वो जिस तरह बैठ बैठ के इंटरनेशनल मीडियम पे बैठ बैठ के उनके बारे में जो दलाल पेश करता था कि भाई आ, अफगान तालिबान जो है वो थ्रू अफगानी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर वो औरतों को तालीम के लिए नहीं इजाजत देते क्योंकि अ पार्ट ऑफ द अफगान कल्चर झूठ exactly. झूठ exactly. exactly. बोल के हाँ उन्होंने जिस तरह अफगानियों के लिए वो जलालत का एक जरिया बन गए अभी उनके खुद के लिए सारा कुछ बन रहा है ये पाकिस्तानी अवाम yeah. को सोचना चाहिए इस चीज पे वो अभी जितना भी कोशिश करेंगे आप देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है अभी Where it is going. एक महीने में तीस हजार की बिल आई है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की एक नॉर्मल फैमिली की बिल थर्टी थाउजेंड आई है कहा जा रहा है ये मुल्क और इन्होंने ऐसा काम क्यों किया आप खुद सोचो यू नो दैट रूट्स इनके कहां पे जा रहे हैं लेकिन जिस तरह इन्होंने अफगानियों के लिए वो तालिबान के लिए इन्होंने जिस तरह प्रोपेगेंडा शुरू किया मेहनत की वो सारा मेहनत अभी रंग ला रहे भाई इंजॉय करो तो उसके लिए क्या है मैं तो खुश हूँ मैं कहती हूँ कर्मा इनको दिखाए ये चीज तब इनको पता चलेगा कि बाकी में अफगानियों की दर्द क्या है जब इनके अपने घरों में ऐसे ऐसा सिस्टम आएगा कि इनकी बेटियां इनकी बेवा औरतें मैं किसी के लिए ये नहीं चाहती लेकिन अगर ऐसा हो कि इनकी अपनी बेवा औरतें घर में बैठे मांगने पे मजबूर हो जाएं इनको परमिशन hmm. ना मिले कि जाके हक हलाल की रोजी कमाए तब इनको पता चलेगा कि हम लोगों के दिल में क्या दर्द चल रहा है पाकिस्तानी आर्ट एंड सिनेमा अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज फिल्में देखें तो जो अफगान्स को लेके एक रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस किस्म की होती है कि ये आ, मतलब जले हुए और बुझे हुए लोग हैं इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है रेफ्यूजीज है सदा के रेफ्यूजीज हैं जैसे कि अफ़गानिस्तान हमेशा से ही ऐसा था आज से चालीस साल पचास साल पहले तक अफगानिस्तान जो है वो इतना मॉडर्न था आपने तस्वीरें भी देखी होंगी आप तो वहां से हैं आपके घर में भी ऑफ कोर्स इस तरह की आपको तस्वीरें देखने को मिलती होंगी क्योंकि तो आपके पेरेंट्स उस दौर में रहे हैं क्या आप कहेंगे इस तरह की रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं ये लोग अभी एक ड्रामा सीरियल चल रहा है मैं उसी पे उसी पे आ रही थी उसमें भी आप देखेंगे वो जो लड़की है अफगान लड़की है क्या नाम है उसका सबरीना बारबीना सब् हाँ सबीना तो एक्ट्रेस का नाम है असल नाम नहीं? है कैरेक्टर का नाम बारबीना है बारबीना है फिर ये दिखाया है कि वो वहां से आ गई उसके शौहर की मौत हो गई और उसका जो देवर है वो उससे शादी करना चाहता है और एक बड़े उम्र के आदमी से उसकी निकाह हो जाती है फिर वो उन लोगों के घर जाके वहाँ पे काम करने वाली होती है फिर काम करती है फिर एक दूसरा उसी फैमिली का एक और बंदा होता है उस पर नजर रखता है और फिर उसका जो निकाह होता है वो चुपके हो जाती है और फिर उस पे जो बदनामी के दबे लग लगते हैं आप मुझे ये बताओ हिस्टोरिकली कितने अफगान उस तरह की जिंदगी गुजारते हैं और कितने ऐसे अफगान होंगे जिन्होंने पाकिस्तानियों के साथ वैसे शादी की होगी या पाकिस्तानियों के घर जाके वैसे नौकरी की होगी यानी अफगानियों की अगर आपने रिप्रेजेंटेशन ही करनी है आप अच्छा रिप्रेजेंटेशन hmm. करो हमारे बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो एजुकेटेड हैं दे दे हैव आर वर्किंग इन अ वेरी डीजिंगस कंपनीज़ अपने बिज़नेसेस चला रहे हैं आपने अगर दिखाना ही है तो अच्छा भी दिखा सकते हो hmm. यानी इनकी जो जो इन्होंने जब ये ड्रामा सीरियल बनाया तो इन इसका मैंने ट्रेलर देखा था मैं hmm. शौक नहीं थी क्योंकि मैं उनसे इससे अच्छे की तो नहीं कर सकती hmm. लेकिन बियंग ह्यूमन जो इनके एक्ट्रेसेस होते हैं और वो जो लड़की जिसने काम किया है अल्लाह करे, वो ये वीडियो, जी, करे हाँ ये वीडियो देखे और वो एक बार सोचे कि जो भी अफगान लड़की वो वीडियो देखेगी वो क्या सोचेगी इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन अफगान गर्ल्स हमारी कितनी लड़कियां ठीक है बेवा है अफगानिस्तान में चालीस साल के जंग में कितने बेवा हमारे होंगे आप काउंट करो तो काउंट करना हम हम तो भूल गए अगर वो उस मजबूरी के तहत बिकॉज ऑफ द वॉर दे हैव क्रॉस बॉर्डर और वो रिफ्यूजी बने हैं एक मुल्क में एक मुल्क और वो भी ऐसी मुल्क कि उसको हम मुसलमान मुल्क कहते हैं और ये खुद कहते हैं ना कि हम तो मुसलमान हैं और हम तो बाई बाई है बकोल इनके इनके को सुन के हमारे लोग वहां पे रिफ्यूजी हुए हैं तो इसलिए कि हमारे पे इस तरह के ड्रामास बने और ये ड्रामा दिस ड्रामा इज नॉट द फर्स्ट थिंग आपकी आप, इन, आप इनके फिल्मों में देखो जब भी आप पठान के बारे में इनकी फिल्में देखो तो वो जो एक किस्म की डरावनी किस्म की पर्सनालिटी दिखाते हैं जो हमेशा गन के साथ कभी आपने नहीं तो होगा कि इन्होंने पठान को एजुकेटेड uh, उसमें अवतार में दिखाया हो। no, they never do that. दिखाएंगे या फिर दिखाएंगे कि कोई जंग लड़के आया है और वो पंजाब दिखाएंगे या तो वो माली होगा या वो चौकीदार होगा ज्यादातर चौकीदार हाँ, दिखाते हैं और ड्राइवर ज्यादा दिखाते चौकीदार हैं पठान और माली है वो या फिर वो पता नहीं डेली वेजेस पे काम करता है लेकिन सबसे जो बुरी है टाइम दे हैव ऑन ऑन अ ऑफ़ अफगानिस्तान हमारी औरतों पे पहले से अटैक हुआ है तालिबान के जरिए हमारी जो आइडेंटिटी है वो छीनी गई है हम लोगों से हमारे औरतों के पास अभी कोई चॉइस नहीं है ये कर सकते थे कि बहुत एक पॉजिटिव तरीके से ये ड्रामा बनाए लेकिन जिस तरह की ड्रामा बनाई और फिर जिस तरह की इसकी पब्लिसिटी करवाई है आप इनके सारे आर्टिस्ट को देखो वाह कितनी जबरदस्त एक्टिंग की है आप लोगों ने जो जो कमेंट्स ये देते हैं क्या एक्टिंग की है उन्होंने अफगानियों का मजाक उड़ाया एंड दैट इज एक्टिंग यू कॉल दैट एक्टिंग उसको जिस तरह एपिसोड uh, में उस लड़की को चोर समझ के मारते हैं उसके सर सर पे यानी अफगानी uh, लोग और अफगान लड़के लड़कियां सारे चोर हैं नहीं ऐसे कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने जिंदगी में बुर्का नहीं देखा है अबाया नहीं देखा है क्या पाकिस्तान में खातिन अबाया बुर्का नहीं पहनती है सोनम पाकिस्तान के खुद के जो अवाम है वो अबाया ही पहनते हैं पेशावर में बड़ी बड़ी चादरें पहनती हैं औरतें पाकिस्तान इज नॉट अ फ्री कंट्री वहां पे कोई लड़की जिस तरह आप बैठी हैं या मैं बैठी हूँ नहीं निकल सकती घर से तो फिर वो किस तरह की उन्होंने बनाई अफगानिस्तान में बुरकावर बिन आवर कल्चर बुरका जो है वो पाकिस्तान से प्रमोट हो अफगानिस्तान आया तो आप इसकी पूरी स्टोरी पढ़ो अफगानिस्तान की हिस्ट्री में कभी बुरका नहीं रहा है हमारी औरतें हमेशा से चादर लेती रही हैं बिल्कुल बिल्कुल और ये बुरका जो है ये पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा है ये अफगानी कल्चर का हिस्सा नहीं है इन्होंने शुरुआत कराई इस चीज की जम्मू कश्मीर में मैं पली बड़ी हूँ जब हम छोटे थे कभी नहीं दिखता था कि कोई भी खातून आपको दिखे जिसने भुर्का पहन रखा है या चादर से सर भी ढक रखा है नॉर्मली लोग रहते थे अब कश्मीर में भी लोग पर्दा करते हैं भुर्का पहनते हैं अच्छा एक और चीज जो मैंने नोटिस की कि जो उसका भाई है बारबीना का जो काबुली पुलाव में जो कैरेक्टर है उसको किस तरह से दिखाया है कि वो अपनी बहन से जान छुड़ा रहा है वो अपनी बहन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और वो मतलब लिटरली एक बूढ़े आदमी के पल्ले उसको डाल के और पीछा छुड़ा रहा है अपना तो अफगान तो बड़े ऑनरेबल लोग होते हैं और एक ये भी चीज दिखाई है कि उसका देवर भी उस पर गंदी नजर रखता है और वो उनका काम ही यही है औरतों पे जातियां करना अफकोर्स ऐसे लोग होंगे अफगानिस्तान में पर ऐसे लोग तो पाकिस्तान में भी होंगे हिंदुस्तान में भी होंगे अच्छा पाकिस्तान में क्या ऐसे लोग नहीं है आप मैं यही कहना चाह रही हूँ हर जगह में बुरे और अच्छे लोग हैं लेकिन अगर आप सिर्फ नेगेटिविटी को ही प्रोजेक्ट करोगे देन व्हाट डज इट मीन इट मींस दैट यू आर ब्रेन वॉशिंग योर पीपल अगेंस्ट अस इसका क्या नतीजा निकलेगा कल को पाकिस्तान में कोई भी अफगानी फीमेल अगर किसी पाकिस्तानी मेल या फीमेल से आ, उनका आमना सामना होगा तो उनके जहन में पहले से ये बना होगा कि ये बंदी जो है ये अनएजुकेटेड है इसको सोसाइटी में रहने सहने का तरीका नहीं आता हालांकि इसी पाकिस्तान में जिस दौर में मैं रहती थी ऐसे अफगानी के पाकिस्तानी कॉलेजेस में टीचर रह चुके हैं लेक्चर उन्होंने दी है ऐसे बिजनेसमैन थे जो पाकिस्तानी जो उनके अंडर काम करते रहे हैं वो वैसे भी तो दिखा सकते हैं मैं खुद टीचर रही हूँ पाकिस्तान में मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं एंड आई रियली लाइक आई एम रियली रियली हैप्पी कि मैं वो दौर से गुजरी हूँ उन्होंने वो ये चीज भी प्रोजेक्ट कर सकते थे कि हमने उनके बच्चों को पढ़ाया है तो ये चीज वो कभी प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं किस लिए क्योंकि वो ब्रेन वॉश करना चाहते हैं अपने अवाम को और ब्रेन वॉश कैसे करेंगे इसी उनके मीडिया की नारेटिव के जरिए अगेंस्ट जाता है ना कि अफगानिस्तान के लोग जो है उनकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है पाकिस्तान में ये उनके नेशनल नैरेटिव के बिल्कुल बिरस है क्योंकि उन्होंने तो अपने आवाम को यही सिखाया है कि ये भूखे नंगे थे इनको हमने पाला और ये देखे अब भी हमसे दुश्मनी करते हैं इनकी आवाम भी पता नहीं कैसी उनको समझ में नहीं आता कि हमारा मुल्क जो है अफगानिस्तान पे हमेशा से पाकिस्तान ने जंग नाफिज की है पाकिस्तान हमेशा वहां इन्वॉल्व रहा है इंडिया तो नहीं गया था ना अमरीका की जंग वहां लड़ने ये लोग गए थे ना किसने कहा था इनको कि उनके साथ मिलके मुजाहिदीन बनाए ये तो परवेज मुशर्रफ तो खुले में कहता था बिल्कुल हमने मुजाहिदीन बनाए अगर तुम इतने अच्छे मुसलमान थे तो तुमने गोरो के साथ मिलके अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर वॉर जो है खोल दी अच्छा जो मुझे एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि जैसे ही अफगानिस्तान पे कभी भी बात आए तो इस्लाम को लेकर वो इस्लाम के फ्रेम में उसको लेकर डिस्कशन में बैठ जाते हैं लेकिन अपने मुल्क में कोई भी बात हो तो फिर वो लिबरलिज्म डेमोक्रेसी पाकिस्तानी डेमोक्रेसी को लेकर उसके फ्रेम से उसके लेंस से अपने सोसाइटी को दिखाते हैं दुनिया को तो क्यों ऐसा करते हैं अफगानिस्तान इज अ फ्री कंट्री बेशक हम मुसलमान हैं दैट इज़ नो बट वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री अब बीस साल में देखो हम मुसलमान ही थे ना लेकिन हम अपने मुल्क को चलाना चाहते थे दुनिया के साथ हम कदम जाना चाहते थे हम क्या वो तो नहीं बने थे इनकी तरह हमारा कोई सिंगर तो अल्लाह माफ करे जाके वो नहीं हुआ था एलिजी कम्युनिटी का कोई मेंबर नहीं बन गया था या yeah, uh, जो भी हो आई टोटली हैव रिस्पेक्ट फॉर पीपल ऑफ अदर काइंड ऑफ यू नो और प्रैक्टिस लेकिन जिस तरह का ये लोग फ्रेमवर्क uh, बना रहे हैं अफगानिस्तान के लिए इस्लाम को टूल बना के दैट इज रियली डेंजरस और ये सारा कुछ इसीलिए करते हैं क्योंकि आप देखो इनके नेशनल uh, वो पॉलिटिकल लेवल पे इनका अपना प्रेसिडेंट बैठ के क्या कहते हैं आज इस्लाम की जीत हुई है जी अफगानियों ने गुलामी की जंजीरें जंजीरें तोड़ दी कौन सी गुलामी की जंजीरें तोड़ दी किस गुलामी की जंजीरी जंजीरों की बात करते हैं आप लोग ये जब कहते हैं कि यूएस से आप लोगों ने आपकी गुलामी खत्म हो गई यूएस का गुलाम सबसे पहले कौन था पैसे कौन लेता था अफगानिस्तान हाँ। फिर से एग्रीमेंट वो जो साइन किया ना जी जी बिल्कुल बेसिस दे सकते हैं अमेरिका को अगर हाँ। अमेरिका चाहे तो इनसे बेसिस ले सकता है बिल्कुल तो गुलामी यही गुलामी की बात करें गुलामी की जब बात आए तो सबसे सबसे मजबूत पुराना गुलाम कौन है और व्हाट डज इट मीन बाय गुलामी इवन ये तो पॉलिटिकल वर्ल्ड में ऐसे ही चलते हैं आप पॉलिटिकल रिलेशनशिप इसी तरह बनाते हैं इज नो गुलामी और और सर्वेंट स्लेवरी काइंड ऑफ अ सिस्टम यू हैव पॉलिटिकल रिलेशनशिप विद ईच अदर आप अपने नेशनल uh, इंटरेस्ट के लिए काम करते हो इंडिया जितना स्ट्रांगली काम कर रहा है ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कैपेसिटी नहीं है कम्पटेंसी नहीं है और अफगानिस्तान जो हमारा गवर्नमेंट का टाइम था तब जितना हमारा गवर्नमेंट काम कर रहा था हैविंग वेरी गुड रिलेशनशिप विद इंडिया बट दे एक ये फोबिया भी है ना कि अफगानिस्तान में जब भी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है अवर गवर्नमेंट्स हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद इंडिया जितना इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम इंडिया ने अफगानिस्तान में किया है तो वो इसी की एक है निशानी है कि और ये लोग वो चीज नहीं चाहते आप मुझे बताओ इंडिया का कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम हुआ हो पाकिस्तान में ये करने ही नहीं देंगे ये कहेंगे ये लोग हमारे पे वो इंडिया को पेड नहीं भेजने दे रहे अफगानिस्तान ये उसमें से भी इनकी कोशिश थी हुँ. कि उसमें से भी अगर थोड़ा बहुत चोरी कर सके तो कर ले कह रहे थे कि आप जो इंडिया का झंडा लगा के हम ट्रक्स नहीं जाने देंगे वो आप हमें कर दे ब्रांडिंग ये बेसिकली चाह रहे थे कि ये अपना वो लगा लो के झंडे उधर ट्रक्स भेजे और ये इतने बेशरम लोग हैं कि खुद तो मदद करेंगे नहीं नहीं किसी और और को भी नहीं करने देंगे। हाँ, वो वो जो तुर्की अफगानिस्तान भेजा था वो उसको really इन लोगों ने जो वो सड़ा हुआ आटा भेजा था जैसे कि वहा इंसान हैं रहते हैं। जी जी बिल्कुल वो भाई बाई है हम ना इसलिए भाईचारे का देते, देते। प्रो किया क्लैरिफाई हाँ दे अच्छा, कर दें कि आप uh, कोई उनके अगेंस्ट कोई ग्रज नहीं रखती है एल जी बी टी क्यू कम्यूनिटी के अगेंस्ट आप बस ये कह रही थी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ये मुनाफिक है बिल्कुल देखें आई हैव अज रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन वो अपनी जिंदगी गुजारे मैं कोई मौलवी नहीं हूं मैं किसी की अगेंस्ट बात नहीं करूंगी कभी भी लेकिन अगर मैं एक चीज अपने लिए पसंद करती हूं और दूसरे को कहती हूं कि नहीं तुम ये नहीं करोगी फिर मैं मुनाफिक हूँ ठीक है अगर मैं अपने मुल्क में लॉ पास कर रही हूं एल के लिए लेकिन अफगानिस्तान में मैं एक ऐसा काम करना चाहती हूँ या चाहता हूं कि वो वहां की सोसाइटी को वहां के लोगों को डिस्ट्रॉय करे और इस्लाम को एज अ टूल बना के उस डिस्ट्रक्शन का हिस्सा मैं बनू देन आई एम मुनाफिक मेरा मतलब ये था ठीक है आई वुड नेवर आई वुड नेवर से दैट नो एवरीबडी हैज देयर राइट एवरीबडी हैज द फ्रीडम ऑफ देयर चॉइस अच्छा क्या कहेंगी आप एक जर्नलिस्ट हैं सुमायरा खान जो जब आ, काबुल फेल तो सुमायरा खान चली गई थी वहाँ पे और वो वहाँ से रोड से रिकॉर्डिंग्स कर रही थी अपने चैनल के लिए जहाँ वो काम करती थी इंडस न्यूज के लिए वो काम करती थी पहले और मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी सुन के कि एक औरत खुद ये बात कह रही है कि मुझे तो बड़ा यहाँ पे सेफ महसूस हो रहा है तालिबान आ, के आने से तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि क्राइम्स अगेंस्ट वेमेन बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और मुझे तो इतना महफूज महसूस हो रहा है इनफैक्ट पता नहीं कोई किसी ने उनसे कुछ कहा और उन्हें तालिबान फटाफट बीच में आ गए और फिर वो कह रही थी कि अब नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है तालिबान की वो तो कश्मीर होने वाली है अभी तक तो हमें कोई दिखा नहीं कश्मीर में क्या कहेंगे आप इस तरह के जर्नलिस्ट के लिए जो टेररिस्ट को मेन स्ट्रीम करते हैं और फिर यू नो you know, झूठ फैलाते हैं इस तरह का कि तालिबान जो है ये कोई बड़े अच्छे हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए और ज्यादातर अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो तालिबान रूल ही पसंद करते हैं। अच्छा देखो ये जो लड़की जर्नलिस्ट थी शी वॉज आई थिंक द वेरी फर्स्ट जब ये गई थी मैंने कुछ इसके वीडियोज देखे थे इसके सोशल मीडिया पे और इसके बाद काफी सारे इस तरह के जर्नलिस्ट गए और दिस वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा कि वो तालिबान को गुड तालिबान रिप्रेजेंट करें काफी सारा इस पे पैसा भी खर्च हुआ मीडिया के थ्रू के लोगों को ये दिखाएं कि तालिबान तो बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान तो इसमें बड़ा पेश पेश रहा है पंजाब से कितने इनके सारे यूट्यूबर्स चले गए वहां पे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं और आ, वीडियोस बनाओ और फिर होटलों में जाओ बंदे अमीर हमारा एक बहुत ही खूबसूरत जगह है वो आउटिंग के लिए वहां पे जाके इन्होंने वीडियोस बनाए तो दिस वॉज अ पार्ट ऑफ देयर एजेंडा जब इनको पैसे मिले थे अफगानिस्तान में ये सारा गन फैलाने के लिए तो ये भी उसी का एक ए, एक कड़ी थी इन्होंने ये किया अब पैसा तो इन्होंने लिया हुआ है तो उसको किसी ना किसी तरह तो हलाल करना है ना जस्टिफाई करना है अब लोगों को पता है कि हु तालिबान और जिस तरह के हालात अभी हैं अभी जाके ना ये बंदी रहे वहां पे। जब ये अपने कैमरा में दिखा रही थी कि मैं सिर्फ अकेली आई हूं लेकिन इसके आगे पीछे जो गार्ड्स थे वो गार्ड्स कौन थे इनके अपने खुद के तालिबान थे इन्होंने जो एक किस्म की वो डिविजन की है गुड तालिबान एंड बैड तालिबान की तो ये वही सिस्टम है अफगानिस्तान के लिए ये चाह रहे हैं कि तालिबान और गुड पाकिस्तान के लिए वही तालिबान और बैड तो ये एक प्रोपे, पूरे प्रोपेगेंडा का सिस्टम रहा है पूरी एक जबरदस्त तरीके से इस चीज को चलाई है लेकिन आप देखो कि ये लोग फिर भी कामयाब नहीं हुए एवरीबडी नोज वाज अ वॉज फॉर्म ऑफ यू नो मेकअप काइंड ऑफ अ थिंग टू शो तालिबान एज अ गुड तालिबान

जो अफगानिस्तान के लोग बेचारे जहाजों से गिर गिर के मर रहे थे ये तो सारे जी इकोनॉमिक माइग्रेशन के चक्कर में थे और इनको कोई तकलीफ नहीं थी तालिबान रूल में ये सिर्फ जाना चाहते थे किसी तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में किसी तरह से घुस जाए जबकि इनके खुद के जो लोग हैं अभी पीछे एक सर्वे हुआ है ज्यादातर पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से भागना चाहते हैं तो क्या हम ये कहें कि इनके लोग जो है वो इकोनॉमिक माइग्रेशन करना चाहते हैं मतलब ये किस किस्म की जहालत है कि लोग इतने डर में हैं कि जहाज़ों से वो गिर रहे हैं उनको किसी तरह से वहां से बाहर निकलना है क्योंकि उनकी जान पे बनाई है और ये बेशरम लोग कहते थे कि ये इकनॉमिक माइग्रेशन है आप वहां से निकली है कि आप खुश हैं जहाँ पे आप रहती हैं या फिर अगर आपको आज ऑप्शन मिले आप आज भी वापस आना चाहेंगी एंड आप अपनी मदरलैंड में ही रहना चाहेंगे Uh, सोनम uh, जब मेरी मास्टर्स uh, प्रोग्राम मेरी ख़त्म हुई तो मेरा प्लान ये था कि मैं अफगानिस्तान जाऊंगी पूरा मेरा एक प्रोजेक्ट पे काम करना था फॉर स्ट्रीट चिल्ड्रन और ये सारा मैंने अपने बलबूते पे करना था पूरा मैंने प्लान बनाया था और मैं नहीं गई मैं अफगानिस्तान से काफ़ी अरसा हुआ है कि मैं दूर हूं लेकिन उस दिन जिस तरह के हालात मुझ पर गिरे लाइक आई फेस मैं अभी भी बात नहीं कर सकती आई बिकम सो मच इमोशनल एंड आई नो एवरी अफगान और वो अफगानी जो एयरप्लेन से गिर रहे थे या जिस तरह वो भाग रहे थे क्योंकि उन्होंने एक फेस तालिबान का गुजारा था उन्होंने देखा था वो सारा टॉर्चर वो देख चुके थे और वो उस डर से भाग रहे थे वो शौक से नहीं भाग रहे थे हमारे लोगों ने 40 साल की जंग लड़ी है अपने बच्चियों को बेटों को और अपने माँ बाप को उन्होंने जिंदा दरगोर होते हुए देखा है भूख से मरते हुए देखा है और उन लोगों पे इस तरह हंसना दैट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी आप सोचो जिस दिन आ, मेरी थीसिस जब मैं लिख रही थी अपने मास्टर्स का इट वाज अबाउट द दोहा पीस प्रोसेस और मेरा काफी उस दौरान कनेक्शन बना था जितने पॉलिटिकल लोग हैं अफगानिस्तान में जिस जिससे मैं बात करती थी किसी के वो जहन व गुमान में नहीं था कि अफगानिस्तान का ऐसे एक हालात बन जाएंगे कोई भी इस सोच में नहीं था कि वो छोड़ के मुल्क चला जाएगा अफगानियों के लिए हमेशा से असाइलम बहुत इजी रहा है दे हैव ऑलवेज हैव द ऑप्शन ऑफ लीविंग द कंट्री लेकिन हमारे लोग बाहर से इन 20 साल में आके अपने मुल्क में आके उन्होंने बनाई है मुल्क को काम किया है वहां पे लेकिन ये भी तो हर इंसान का फर्ज है कि वो अपने आप को बचाए अपने फैमिली को बचाए कौन सा जी शुरूर और अकल इंसान खुद को जाके एक वैशी दरंदे के आगे ऐसे ही डाल देगा और वो लोग किस तरह के लोग हैं? आप जितने हमारे फीमेल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ जो काम हुआ है उनकी वीडियोज बनी है उनके उनका जो टॉर्चर उनके साथ हुआ है चालीस चालीस दिन तक उनको रखा है इन्होंने जेलों में कौन इंसान होगा कि अपनी बेटी अपने बच्चे को उस तरह की एक टॉर्चर से दोबारा गुजारना चाहेगा तो ऑब्वियसली वो भागेंगे क्योंकि उन्होंने वो वहशत एक मरतबा बीस साल पहले एक्सपीरियंस किया था hmm. Hmm. और अगर पाकिस्तानी लोग इस चीज पे हंस रहे हैं देन इट दैट दे आर नॉट गुड मुस्लिम्स क्योंकि इस्लाम तो इस चीज का दर्श नहीं देता ना Hmm. और अगर ये लोग जिस तरह कर रहे हैं देन लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी और क्या कह सकती हूँ और ये मैं आए दिन खुद देख रही हूँ मेरे साथ एक्सपीरियंस होता है मेरे hmm. आप मेरा सोशल मीडिया पूरा उठा के देख लो जिस तरह की गन और जिस तरह की लो की लेवल की मैसेजेस वो कमेंट्स करते हैं पूरा hmm. दो सेकंड के लिए ये ये सोचें कि अभी अगर पाकिस्तान में इसी तरह का एक हमला हो जाए तो ये लोग कहाँ जाएंगे भागेंगे ना इंडिया की तरफ क्योंकि सबसे नजदीकी बॉर्डर वही है इनके लिए हम लोग तो तैयारों पे और प्लेन में चढ़े थे ये लोग तो वो दरियाए सिंध में अपने आप को बहा के वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे ट्रस्ट मी दे अभी पीछे कितने पाकिस्तानी मारे गए हैं जो यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे थे जो एक शिप में हाँ मतलब दुख की बात है निर्दोष लोग गरीब लोग मारे गए कौन से कोई इनके फौजी मारे गए हैं पर कितनी इनसेंसिटिव लोग हैं ये ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे कि पता नहीं इनका जो मुल्क है वो तो कहीं कोई यूरोपियन कंट्री है ना जहाँ का पता नहीं जी कितना है और कोई दुनिया की तीसरी बड़ी या दूसरी बड़ी इकोनमी है ये जो ये अफगानिस्तान के लोगों का मजाक उड़ाते हैं जबकि Even under Taliban, जो अफगानी है हमारी करंसी कहाँ पे पहुंची है इतने बुरे हालात में भी. की currency पे पहुंची, आप जरा देखो हुँ. दो तीन महीने पहले एक दर्जन खेला आप खरीदते थे तो पांच सौ रुपए पाकिस्तानी रुपीज मिलती थी हुँ. तो आप, आप जब भी किसी और मुल्क के बारे में आप बात करते हो तो पहला अपने आप को देखो वे स्टैंड जैसे आपने कहा कोई यूरोप तो नहीं है ना लोग चीख रहे हैं वहां पे अपने बच्चियों की जो मैं कल एक इंटरव्यू देख रही थी एक बंदा था उसने अपने बच, बच्ची की जो उसने मेडल्स विन किए थे फॉर हर एजुकेशन ब्रॉन्ज एंड गोल्ड मेडल्स ही सेलिंग दैट ताकि वो बिजली का बिल दे काफी तो, बुरे हालात एंकर ने उससे पूछा कि अगली दफा क्या करोगे तो कहने लगा ये मोटरसाइकिल है ये भी बेच दूंगा तो आपके अपने हालात जब इतने बुरे हो तो फिर आप किसी और पे कैसे इस तरह जुमले कसेंगे या उन पे इस तरह जोक्स मारेंगे उनको इस तरह लो देखेंगे नहीं करना चाहिए ना ये काम अगेन आई विल से कर्मा इज रियली बाइटिंग देम सो हार्ड वाजपा hmm. बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिलते हैं अफगानिस्तान में मतलब शर्म की बात है कि उनमें से बहुत सारे इंडियंस भी होते हैं जिनको खुल के वीज़ा वगैरह दिया जा रहा है तालिबान की तरफ से और वो जाके तालिबान के साथ तस्वीरें खिंचाते हैं इंडियन यूट्यूबर्स भी देखे मैंने वेस्ट से भी देखे बहुत सारे ब्लॉगर्स और वो दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि तालिबान आर वेरी फ्रेंडली ये तो बड़े अच्छे हैं हाल ही में कुछ लड़कियां थी अफगानिस्तान की जो यूए जा रही थी उनको बहुत मुश्किल से एक स्कॉलरशिप मिला कि उनको किसी तरह से वो अपनी तालीम हासिल कर सकें और तालिबान ने बावजूद इसके कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे सारी उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी वो लीगली जा रही थी उनको अलाउ uh, नहीं किया कि वो जहाज जो है उसको बोर्ड कर सकें और अभी एक और लड़की की भी मौत हुई है उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं उसको तालिबान ने नहीं मारा बट आई एम श्योर जिस तरह की तालिबान की हरकतें हैं ये सच है वो जो एक लड़की को तालिबान ने पकड़ के फिर उसका रेप किया फिर उसके दोस्तों के सामने कर रही, रही हैं आप हम उस यूट्यूबर की बात कर रही, रही, रही हैं आप हाँ अभी जो एक केस हुआ है ना एक अफगान लड़की को जो तालिबान के ही एक लीडर ने उसको रेप किया और फिर बाद में उसके दोस्तों का ही नाम लगा दिया जी जी इस पर भी अफगान लोग जो खुद ही इतने डिवाइडेड हैं बड़ा दुख होता है ये देख के कि मतलब अफगानिस्तान के लोगों में आपस में तो कम से कम एक कंसेंसस होना चाहिए ना अगर आप आपस में डिवाइडेड रहेंगे तो दुश्मन तो आप पे हावी होगा बिल्कुल क्या कहेंगे आप उसके बारे में अच्छा देखें जो ये सिक्सटी वर लाइक सिक्सटी थ्री लड़कियां थी मैं सबसे इससे पहले मैं आपकी पहले सवाल पे आऊंगी जो इवन इंडियन यूट्यूबर्स है जो जाते हैं अफगानिस्तान में वो पब्लिसिटी के लिए अपने चैनल को चलाने के लिए और लाइक्स को बढ़ाने के लिए जो काम ये कर रहे हैं आप इनको चैलेंज ऐसा कर सकते हैं ना कि जाके ये रहे वहां ना मूव हो ना दो तीन महीने जाके एक्चुअल में जिंदगी गुजारें ये करेंगे ये काम नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि एक्चुअल लाइफ वहां पे बहुत मुश्किल है लोगों का यानी तो अगर आप वाकई में आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हो आप अपने आप को सोशलिस्ट कहते हो या आप अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हो एंड यू कॉल योर सेल्फ अ प्रोग्रेसिव ह्यूमन बीइंग तो एक प्रोग्रेसिव ह्यूमन का, का इस तरह का तो कोई सिस्टम नहीं होता कि वो झूठ पे लेके एक चीज को इतना प्रोपिगेट करे कि खुद ही उस पर बिलीव ना कर रहा हो अब मैं एक चीज पे बिलीव नहीं कर रही लेकिन मैं लोगों को वो झूठ सेल कर रही हूँ इट मीनस आई एम नॉट अ प्रोग्रेसिव ह्यूमन मैं यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम अगर आप एक टेररिस्ट को लेजिटिमाइज कर रहे हैं तो आप फिर जो प्रॉब्लम है उसका एक हिस्सा बन जाते हैं बिल्कुल और जो लड़कियों का जो था दे वर 63 गर्ल्स जिनको स्कॉलरशिप मिली थी और इनको इन्होंने अबैंडन किया एयरपोर्ट पे और ये बहुत अच्छा हुआ कि जो वो बिजनेसमैन था जिसने ये पूरा स्पॉन्सर किया था या, या आ, ही मेरा वीडियो और वो सारा उसने उसका एक पावर था एंड ही जस्ट पुल्ड अप सारी सारी लड़कियां फिर दोबारा से मेरे ख्याल में सिर्फ चार लड़कियां नहीं जा सकी लेकिन बाकी जितनी लड़कियां थी उनको जा, परमिशन मिल गई कि वो जाके अपनी तालीम मुकम्मल करें तो ये देखें इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो भी बंदा अफगानिस्तान में जो हमारे लोग आपको डिवाइडेड भी नजर आ रहे हैं क्योंकि दे आर सो कंफ्यूज्ड। hmm. एक ऐसे जिस तरह इन ये यूट्यूबर यूट्यूबर्स की आप एग्जाम्पल लो इन्हीं की तरह काफी इस तरह के न्यूज कास्टर्स हैं जो तालिबान से पे लेकर उनको उनकी एक बहुत अच्छी प्रोजेक्शन कर रहे हैं तो लोग मीडिया को देख के वो कंफ्यूज हो रहे हैं एक्चुअल में जो चीज है वो उनको पता नहीं चल रही और hmm. सही बात है हमारा हमारे जो अपने लोग हैं वो अगर अपने फ्रीडम को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दिस थिंग्स विल इंक्रीज डिस्पाइट ऑफ दिस के चले तालिबान है या जो कुछ भी है जो वो फीमेल यूट्यूबर के साथ हुआ दो कॉनस्पिरेसीज है उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जिस पे मैं खुद बिलीव करती हूं कि यस शी वाज लाइक बी टारगेटेड और एंड किल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ डीवीज लेकिन आप देखो कि हमारे अपने ही लोग उस पर बात कर रहे हैं इस चीज पे वो नहीं देख रहे हैं कि एक फीमेल की जान गई है और बेगुनाह लड़की की जो अपने लिए जिंदगी कर रही थी रिजक कमा रही थी उसकी जान गई है विदाउट एनी रीजन कोई जुर्म भी नहीं था उस पर इस चीज पे कोई फोकस नहीं कर रहा लोग हमारे अपने लोग डिवाइडेड हुए हैं कोई कह रहा है कि नहीं इसको तालिबान ने नहीं मारा इसके अपने दोस्तों ने मारा है तो अगर उसके अपने दोस्तों ने मारा है या तालिबान ने मारा है भाई एक इंसान की जान चली गई अब उस पर फोकस करो उसके मुजरिमों को पकड़ना चाहिए मंजर आम पे लाना चाहिए तालिबान तो हमेशा से अफगानी गवर्नमेंट जो था उस पर ये लोग बात करते थे कि उसमें करप्शन था लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था लोगों की सिक्योरिटी नहीं थी तो अभी कहाँ है वो सिक्योरिटी अभी मिल रही है वो सिक्योरिटी हमारे लोगों को या हमारी औरतें क्या महफूज हैं या इसका इलाज ये है कि भाई औरतें घर से ही ना निकले अगर वो महफूज रहना चाहती हैं तो और ये चीज बैक दोबारा कनेक्ट करती है कहा मुझे अभी याद आया इमरान खान की बात से अगर औरतें चाहती हैं कि वो महफूज रहें तो वो सही से कपड़े पहने यानी मर्दों का कोई कसूर नहीं है औरतों को ही सारा कुछ करना चाहिए हम कहा जा रहे हैं हमारी किस तरह की ब्रेन वॉशिंग हो रही है और हमारा जितना आने वाली नस्ल है वो फिर आगे फीमेल्स के साथ किस तरह बर्ताव करेंगे सो so जो जो भी बंदा हो चाहे वो मैं हूं कोई भी हो अगर इस चीज को इसी तरह प्रोपिगेट करेंगे तो जैसे आपने कहा दे और पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम दे आर प्रमोटिंग दिस प्रॉब्लम पर हम ये नहीं कह सकते नो दिस इज ओनली तालिबान नो यू आर आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट क्या मैसेज देना चाहेंगी आप इंडिया के लोगों को और क्या अफगानिस्तान के लोगों की है, भारत को लेके क्योंकि बहुत लोगों से ये भी सुनने को मिलता है कि इंडिया ने हमारा वैसे साथ नहीं दिया जैसा हम इंडिया से एक्सपेक्ट करते थे खुल के इस पे बात करें अच्छा ये बात मैं खुद भी करती हूँ तो क्यों करती हूँ क्योंकि देखो मैं इंडिया से एक्सपेक्ट करती हूँ आई सी इट एज अ वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री वो जिस तरह के इंटरनेशनल मीडियम पे जिस तरह इंडिया की एक इमेज बनी हुई है उस इमेज को लेकर मैं ये एक्सपेक्ट करती थी कि हमारी कम से कम जब हालात बिगड़ गए तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनको बैन कर दिया गया क्यों बहुत सारे ऐसे तरीके थे कि उनको वो आ, आ, ये परमिशन दे सकते थे कि वो जाके कम अज कम अपनी तालीम को मुकम्मल करें इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री के हमेशा तालीम के ऊपर इतना उनका जोर होता है ठीक है लेकिन आप पे तालीम एक तरफ तो आप कहते हो तालीम पे फोकस होना चाहिए दूसरी तरफ आपने यूथ को बैन कर दिया उनको वीजा नहीं दिया मैं ये भी समझ सकती हूँ कि वो सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न थे लेकिन इंडिया के पास बहुत सारे ऐसे तरीके थे कि वो सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत अच्छा सा मैनेज कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया दे द ऑप्शन अभी भी वो कर सकते हैं बहुत सी ऐसी बच्चे और बच्चियां हैं दट दे रियली टू कंटिन्यू देअर एजुकेशन लेकिन फिर मैं ये भी देखती हूँ गवर्नमेंट हमेशा अपनी आवाम की बात सुनती है और आवाम के प्रेशर में ही आकर वो कोई कदम उठाता है बट आई डोंट सी दैट प्रेशर फ्रॉम इंडियन पीपल आई लव देम। आई हैव अ लॉर ऑफ फ्रेंड्स बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं मॉरल सपोर्ट होता है लेकिन प्रैक्टिकल कहीं भी मैंने नहीं देखा एंड आई एम रियली सैड अबाउट दैट ठीक है मुझे बहुत गाली पड़ती मैं बहुत बार ट्विटर पे भी लिख चुकी हूँ कि जो अफगान बच्चे बच्चियां हैं जो यहाँ पे पढ़ते थे उस टाइम पे घर थे या फिर जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं भारत में उनको वीजा देना चाहिए तो हमारे लोग गालियां देने लग जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो एक कहावत है ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के समथिंग लाइक दैट हमारे लोगों में एक डर बैठ चुका है वाजमा ये इनका ये कहना है और एक हद तक सही भी है कि हमने बांग्लादेश को आजाद कराया हमने तो ऐसा नहीं है ना कि इनकी तो अगर हम सोचते या चाहते कि भाई ये इंडिया का ही हिस्सा था हिंदुस्तान का ही हिस्सा था ये बाद में जाके ईस्ट पाकिस्तान बना तो अभी हमने इनको आजाद कराया वेस्ट पाकिस्तानियों से तो हम वापस अपने साथ मिला लेते हैं ऐसा तो हिंदुस्तान ने नहीं किया हिंदुस्तान के सोल्जर्स ने जाके वहां पर शहादतें दी तभी बांग्लादेश आजाद हो ऑफकोर्स उन्होंने खुद बड़ा एक मुक्ति वाहिनी वगैरह बनाई उनके लोगों ने खुद बड़ा पार्टिसिपेट किया पर हिंदुस्तान ने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया पर बांग्लादेश के लोगों में आज भी मैं वहाँ की हुकूमत की बात नहीं कर रही आ, पर आपको वो एक नज़र आता है एक नफरत ना हिंदू को लेके वहाँ की जो मुसलमान हैं उनमें और फिर पाकिस्तान की बहुत ज्यादा टेरिटरी इंडिया ने बहुत बार हासिल कर ली जितनी हमारी वॉर्स हुई पर इंडिया ने वापस दे दी इनके तिरानवे हजार सोल्जर्स हमने पकड़ लिए थे वो भी वापस कर दिए कि चलो हो गया जो हो गया तो हिंदुस्तान के लोगों को तो बेहतर था हाँ, तो लोगों के मन में डर बैठ चुका है कि हम सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं और हमें पलट के कुछ मिलता नहीं है और कुछ अफगान स्टूडेंट्स पे जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उसमें बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं और हमारे अपने कंसर्न क्योंकि जो हिंदू और जो सिख पाकिस्तान में है उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है आप जानती होंगी अफगानिस्तान में तो बचे ही नहीं अब बिल्कुल तो अफगानिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे सीए के टाइम में भी बहुत प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया कि इंडिया क्यों जो हिंदूज और जो सिक्स हैं उनको जो है प्रेफरेंस दे रहा है जबकि वो एक टाइम फ्रेम के लिए था ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुसलमान वहाँ पर परसिक्यूटेड है तो उसको इंडिया नहीं लेगा पर ऑफ़ कोर्स हमारी प्रायोरिटी तो यही होगी ना कि जो नॉन पड़ता है उनको हम लेकर आए तो इंडिया के लोगों में एक डर बैठ चुका है ये अफगानिस्तान के लोगों को उसी से देखते हैं जिस तरह से ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को देखते हैं कि ये हमसे नफरत करते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं दैट मेरे ख्याल में ये एक आ, मैं समझ सकती हूँ इस चीज को एंड यू रियली एक्सप्लेन अगर मैं खुद अपने आप को इंडियंस की जगह पे रखू शायद मैं इससे भी ज्यादा डर जाऊं लेकिन आप ये भी तो देखो कि अफगानीज आज अगर इतना वो ज्यादा मार खा रहे हैं ठोकर खा रहे हैं इंडिया की दोस्ती की वजह से खा रहे हैं अगर अफगानीज इंडिया का वो दोस्ती का जो बैच है वो अपने सीने पे ना लगाते ट्रस्ट मी तो इनको उतना ज्यादा वो, वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़ता लेकिन हमारे जितने यूथ हैं इंक्लूडिंग मी वी वी हैव हैव ऑलवेज सो आई डोंट नो दिस इज समथिंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी बिटवीन आस इन इंडिया अब मैं आपसे फिजिकली नहीं मिली बट आई एम लाइक मोर इनक्लाइन टूवर्ड्स यू देन एनी वन एल्स मुझे ऐसा hmm. लगता ही नहीं कि आप कोई इंडियन हो आई रियली फील दैट यू आर पार्ट ऑफ माई ओन सेल्फ तो hmm.

बॉर्डर सिक्योर uh, हो जाएंगे ना लोग दोबारा से वो टेररिज्म का शिकार नहीं होंगे उनकी एक नेगेटिव तरीके से ब्रेन वॉश नहीं होगी और जो हमारी क्रीम ऑफ द सोसाइटी है अभी वो सड़ रहे हैं वहाँ अफगानिस्तान में उनके कोई है ही नहीं राइट्स uh, रिजर्व नहीं हो रहे हमारी बच्चिया जो हैं बच्चे जो हैं उनका तालीम uh, नहीं है वहां पे वो अपॉर्चुनिटीज़ डे क्या बनेगा बी ग्लोबलाइज ह्यूमन बींगा तो बनता है ना राइट तो यही बनता है जिस तरह का इंडिया का है अपने उस पे कंसर्न जैसे मैंने शुरू में बताया लेकिन इंडिया इज ऑल्सो वेरी पावरफुल टू कंट्रोल दैट एंड देख से मैं कहूंगी और ये तभी होगा जब लोग अपने गवर्नमेंट पे वो प्रेशर डालेंगे I was really expecting a lot कि जितना इंडियन यूथ है वो कम से कम ये तो कह सकें कि जो बच्चिया पहले से पढ़ती थी इंडिया में उनको वो आप लोग वीजा दे दो ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल करे कुछ लोग इस पे बड़ा एतराज करेंगे जो आपने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो हो रहा है उस इंडिया उसकी वजह है इंडिया ने तो वहां पर जंग में कोई हिस्सा नहीं लिया ना अब पाकिस्तानी इंडिया की वजह से अगर अफगानिस्तान के लोगों के साथ करते हैं या फिर उनको बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं इसमें तो हमारा कोई कसूर नहीं है ना हम तो उनको नहीं, नहीं, नहीं कहते सोनम इंडिया हमारी साइड से अगर देखो मेरा मतलब है कि पाकिस्तान ऐसा सोचता है कि ये इंडिया वो इंडिया को ही वजह देखते हैं इंडिया इज नॉट दी बात सही है हाँ, अगर हम वी आर वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन ये कई मरतबा हमारे प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने भी ये कहा था कि वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन हम अपना मुल्क रखते हैं हमारी मर्जी हम किसके साथ दोस्ती करें किसके साथ ना करें हु द हेल और यू के हमें आप डिक्टेट करो लेकिन वो इस चीज को इसी तरह देखते हैं उनका जो फोबिया है इंडिया को लेकर वो हर जगह पे उन्होंने इसका वो रस गुला हुआ है और इसलिए मानते हैं अपना बिल्कुल अफगानिस्तान के हाँ। तो मानते तो है अब वो खुद ही सूबे तो उनके तो याद है उनका अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है ना 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 ये कोई कर सकता है पर वो ज्यादा देर रहेगा नहीं रहेगा नहीं दैट इज उसको अफगानिस्तान को द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर ऐसी तो नहीं कहते ना कुछ है उसमें तो कहते हैं और अभी हालात आपके सामने हैं जो मुल्क चाहता था कि अफगानिस्तान को अपना पांचवा सूबा बनाए उनके उसके अपने सूबे तितर बितर हो रहे हैं तो ठीक है वाजमा दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड और uh, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी बात जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पावर uh, जो हैं वहां पर लोग सुने क्योंकि पर्सनली मुझे भी इस बात का बड़ा दुख होता है कि हम ठीक है वैसे तो एड भेजते हैं बट खाना और दवाइयां तो आपकी अकेली जरूरियात नहीं होती है ना और ये हमारा फर्ज बनता है कि अभी अगर अफगानिस्तान पे बुरा वक्त आया है तो हम वहां के लोगों के साथ खड़े हों क्योंकि एक अच्छा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए बिल्कुल और मैं हमेशा से शुक्रगुजार रही हूँ जितना इंडिया ने अफगानिस्तान में डेवलपमेंट का काम किया है ये कोई डकी छुपी बात नहीं है और मुझे इस पे ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि मैं बात करूँ एवरीथिंग इज सो क्रिस्टल क्लियर लेकिन अभी हमारी बच्चियों को तालीम की सख्त ज़रूरत है और उसमें इंडिया हेल्प कर सकता है एंड थ्रू यू आई विल गिव दिस मैसेज के अगर अपॉर्चुनिटीज है बनती हैं सो प्लीज मेक दैट पॉसिबिलिटीज बिल्कुल बिल्कुल

और मुझे पता है कि इंडिया इंडिया के लोग माँ को लेकर बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वो धरती कहते हैं अपने मुल्क को और फिर एक औरत जब माँ का दर्जा उसको जिस तरह से मिला हुआ है और जिस तरह की रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर और उसकी रिलीजन में है सो आई आई टेक दैट अपॉर्चुनिटी दे Look at that. और उसी लंज में वो अफगानिस्तान के फीमेल्स को देखे हमारी उन बच्चियों को देखे जो वाकई में अभी नीडेड लाइक दे आर इन नीड ऑफ हेल्प दे दे रियली नीड आप देखो कल एक अफगानी बच्ची पाकिस्तान में शी डिड अ सुसाइड फॉर व्हाट क्योंकि उसको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे वो वहां पे विदाउट एनी फ्यूचर जिंदगी कह रही थी शी थ्रो हर फ्रॉम सेवनटीन फ्लोर आप सोचो के मैं यहाँ पर बैठ के आपसे बात कर रही हूँ एंड टुडे आई वाज नॉट एबल लाइक टू हैव अ नॉर्मल डे सारा दिन मैं यही सोच रही थी कि क्यों हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है हमारी बच्चियों के साथ क्यों ऐसा होता है वट इज द रीजन और फिर जब हम ये बात करते हैं कि फीमेल्स और माँ का दर्जा है फीमेल के लिए धरती माँ और जितने फीमेल्स के बारे में हम बात करते हैं क्या अफगानिस्तान की बच्चियां माँ नहीं है वो या उनके पास वो ममता नहीं है क्यों हमारी बच्चियां उस अजियत से गुजरे क्यों दुनिया उनके ऊपर आके बंद किए हुए है इसलिए सो थ्रू यू आई विल गिव दिस मैसेज आई रिली होप के दुनिया को ये बात समझ आ जाए कि इस पूरे जंग में इस पूरे पोलिटिकल वॉर में फीमेल्स का कभी भी कोई रोल नहीं रहा है बट दे व मोस्ट सफरिंग यूनिट ऑफ अफगानिस्तान गॉड थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर योर टाइम Okay, so that's all for today. Bye. Bye bye.